हमारी खिदमत को कबूल करे, तू हमारी दौड़ को कबूल करे और खुदावन हम तेरे मुकद्दसों में शामिल होकर अपनी जिंदगी के साथ गुजारे। मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इससे पहले कि हम हवाले की तरफ चलें, मैं इस गवाही के हवाले से जो बहन की है, एक ख्याल जो मेरे जहन में था वो ये था कि पिछले साल के शुरू में हमसे खुदा ने जो वादे किए उनमें से कुछ तकमील पाए, कुछ अधूरे रहे। और मुझे याद है पिछले साल की इब्तदा में मैंने आपके साथ जो खुदा के कलाम को शेयर किया था उसमें यही बात थी कि खुदा ने हमसे वादा कर दिया है, अब उसको मटीरियलाइज कराना, अब उसका वो हिस्सा जो हमारे एंड पे है उसे हमने कबूल करना है। जिस तरह बहन ने इस नबूवत को जो खुदा के बंदे ने की उस पर ईमान रखा, एंड टुडे हम उसके बेटे की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से खुदा के बंदे के ज़रिए बहुत सारे वादे खुदा हमसे करता है। हम जब खुदा से खुद दुआ करते हैं तो बहुत सारे वादे खुदा हमारे साथ करता है, बट देर इज ऑलवेज अ पार्ट दैट गॉड हैज़ टू प्ले एंड देन देर इज ऑलवेज अ पार्ट जो हमारे एंड पे है। तो और हमारा ये ईमान है कि अगर खुदा ने कोई चीज़ कह दी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना हो। अगर खुदा ने हमसे वादा कर दिया है, जैसे इब्राहिम से उसने जिस उम्र में वादा किया, तो कहीं पे भी हम में से किसी के दिल में ये डाउट नहीं था कि खुदा ने वादा तो किया है लेकिन पता नहीं खुदा दे सके या ना। तो अगर कोई खुदा ने आपसे वादा कर दिया है तो पहले तो ये ईमान हमारा है कि वो खुदा के एंड से तो हो गया है। अगर कोई वादा अभी तक हमारी ज़िंदगी में जो पिछले साल में नहीं हुआ, इस वक्त हमें उस पर ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दैट ऑफर स्टिल रिमेंस वैलिड। कलाम ये कहता है कि खुदा इंसान नहीं कि अपना इरादा बदल ले। तो अगर खुदा ने वो वादा हमसे कर लिया है तो ही इज़ अबाइडिंग बाय हिज वर्ड। अगर उसने वो वादा कर लिया है तो वो अपना वादा पूरा करने को तैयार है। और अगर कुछ कमी पेशी है तो वो आज इस साल में जो ख्याल जिसके साथ आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद कि जो वादे हमारे साथ हैं वो हमारे खजाने हैं जिनको अभी हमने डिस्कवर करना है, जिनके ऊपर एफर्ट करके हमने रिसीव करना है। खुदा हमें तौफीक दे कि जो दिन दे बरकतें हमारी पिछले साल में रुकी हैं वो भी खुदा इस साल में जारी करे, और जो दिन दे उसने इस साल के लिए हमारे लिए रखी है वो भी खुदा हमें दे। हम कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट में जो ख्याल खुदावन ने मुझे आज की शाम के लिए दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हवाला जो मैं आपके साथ पढ़ना चाह रहा हूं थोड़ा तवील है, लेकिन कलाम को पढ़ना और कलाम को सुनना ही इतनी बड़ी बरकत है जितना विश्वास हो जो मैं आपके साथ करूँ। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ बैर कीजिएगा, क्योंकि जस्ट कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाए इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी आम फहम वाक्या है, हवाला है जो हमने कई दफ़ा सुना होगा, बट जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, ये है दूसरा सलातीन उसका छठा बाब, और उसकी आठवीं आयत से हम पढ़ेंगे। आप इस हवाले को भी उतनी ही गौर से सुनिएगा क्योंकि खुदावंद हर किसी से इंडिविजुअली कलाम करने की मुद्दत रखता है। जो मैं आपसे कहूँगा उससे बढ़कर खुदा आपसे इंडिविजुअली भी कलाम करेगा। तो आप इस हवाले को जो खुदा ने दिया है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ, आप इस पर भी गौर कीजिएगा और इसके हवाले से जो ख्याल खुदा ने मुझे दिया है उस पर भी आप गौर कीजिएगा। तो ये दूसरा सलातीन उसका छठा बाब है और वाक्य कुछ इस तरह से है, मैं थोड़ा सा तेज पढ़ूंगा, 10 आयतें हैं। और आराम का बादशाह इसराइल से लड़ाई करता था, तो उसने अपने दरबारियों से मशवरत की कि हमारे कमीन फलां जगह होगी,
तू मर तो मरदे खुदा ने इसराइल के बादशाह को कहला भेजा, खबरदार कि फलां जगह से पार मत हो, क्योंकि आरामी वहां कमीन में बैठे हुए थे। सो शाह इसराइल ने उस जगह पर जिसकी बाबत मरदे खुदा ने उससे कहा था और खबरदार किया था आदमी भेजे और वहां से अपने को बचाया, और ये फकत एक या दो भाग ही नहीं। सो उस सबब से आराम के बादशाह का दिल बेचैन हो गया और उससे अपने मुलाजमों को बुलाकर कहा कि क्या तुम मुझे बताओगे कि हम में से कौन शाह इसराइल के साथ है। उसके मुलाजमों में से एक ने कहा, अय मेरे आका बादशाह कोई नहीं मगर अलीशा नबी जो इसराइल में है, वो हर उस बात को जो तू अपने सोने के कमरे में कहता है इसराइल के बादशाह को खबर देता है। बादशाह ने कहा, जाओ और देखो वो किस जगह में है ताकि मैं उसे गिरफ्तार करूं। तो उन्होंने उसे खबर दी और कहा कि देखो वो दोतान में है। तब उसने उसकी तरफ घोड़े और गाड़ियां और बड़ा लश्कर भेजा, तो उन्होंने रात को आकर शहर को घेर लिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, सुबह सवेरे मर्दे खुदा का खादिम उठा और बाहर निकला तो देखा कि लश्कर और घोड़े और गाड़ियां शहर को घेरे हुए हैं, और उसके खादिम ने उससे कहा, हाय मेरे आका, हम क्या करें, हमारे साथ है उनसे जो उनके साथ है ज्यादा है। और अलीशा ने दुआ की, अय खुदा इसकी आंखें खोल ताकि वो देखे। तब खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने देखा। दाम के कलाम में पड़े और सुने जाने पर उसकी आमीन। ये 10 आयत मैंने आपके साथ इसलिए पढ़ी ताकि आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझ आए। हमारा जो आज कलाम है वो है कि खुदावन ने उसकी आंखें खोली। अलीशा का खादिम जब सुबह उठ के बाहर के हालात देखता है तो वो अपने इर्द गिर्द की पहाड़ी पे बहुत सारे घोड़े, बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे फौजी और जंगली साजो सामान देखता है और वो इससे घबराता है और वो अपने आका के पास दौड़ा जाता है ये कहते हुए कि अरे मेरे आका हम मारे गए। लेकिन खुदा के नबी उसे क्या कहता है, डर मत, और उसके लिए क्या दुआ करता है, खुदा इसकी आंखें। ये वो वाक्य है। इससे हम क्या सीखते हैं, वो जो खादिम है दिशा का वो क्यों परेशान है, वो इसलिए परेशान है कि उसकी आंखें बंद हैं। इससे हम क्या सीखते हैं, अगर हमें परेशानी घेरती है, अगर हम मसीह पर ईमान रखते हुए आज के दिन अपनी बीमारियों से परेशान हैं, अपने माली हालात से परेशान हैं, सेहत के हवाले से अगर परेशान हैं, अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, अपने अजीजों की जुदाई की वजह से परेशान हैं, हत्ता कोई भी ऐसी हमें परेशानी लाहक है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी आंखें बंद हैं। अगर हम सुबह परेशान उठते हैं और रात को अपने बिस्तर पे आंसुओं के साथ सोते हैं तो फिर हमारी आंखें बंद हैं। आज अगर खुदा की तसल्ली और खुदा का ईमान हमें इस परेशानी से नहीं छुड़ाता तो इसका मतलब है कि हमारी आंखें बंद हैं और हमें किस चीज की जरूरत है कि हम अपनी आंखें खोलें। हमारी आंखें किस चीज से बंद, किस तरफ से बंद है, व्हाट इज दैट विच वी आर नॉट सीइंग, हम क्या नहीं देख पा रहे, उसका खादिम क्या नहीं देख पा रहा था। उसका खादिम ये नहीं देख पा रहा था कि जो रथ, जो घोड़े, जो फौजी खड़े हैं उनके पीछे जो खुदा की फौज खड़ी है वो किस तादाद में है,
हमारे पास भी क्या सिनेरियो है, हमारी नजर उस परेशानी पे टिकी है जो हमारे सामने है, उसके पीछे जो खुदा की मदद खड़ी है उसकी तरफ से हमारी आंखें बंद है। हमारे लिए जो मसला है, हमारे लिए जो गिनती है, हमारे लिए जो जिस्मानी वसायल हैं, उनकी तरफ से तो हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन जो रूहानी वसायल है, जो ईमान है, जो खुदा पर यकीन है, जो इस यकीन है कि वो हमारी हर जरूरत को हमसे पहले जानता है, इस हवाले से हमारी आंखें बंद हैं, तभी हम आज परेशान हैं। इसकी मिसाल बहुत सिंपल है। आप अगर अब तो जो सर्दियों का मौसम है लाइट कम जाती है, लेकिन आप अपने घर में ही अगर एकदम लाइट जाती है तो आप चीजों को टटोलना शुरू हो जाते हैं। ये उस जगह की बात है जहां पे आप दिन रात रहते हैं, जहां की हर चीज आपको बगैर देखे मालूम है, आपको चीज पूछी जाती है आपको पता होती है कहाँ पड़ी है, अगर यहाँ नहीं पड़ी होगी तो यहाँ होगी, मैंने इसको सुबह वहां रखा था, अभी मैं यहाँ से चल के आया था, इतने कदम पे बिस्तर है। हम जब अपने घर में चलते हैं तो क्या हर चीज को देखते हुए चलते हैं? वहां पे भी अगर रोशनी ना हो और यहाँ आंखें बंद करके चलने की कोशिश करें तो हमें जगहों को टटोलना पड़ता है। हम अपनी जिंदगी आंखें बंद करके गुजार रहे हैं, तभी हम एक मुकम्मल जिंदगी नहीं गुजार पा रहे। एक ईमानदार के लिए आंखें बंद होना ऐसा ही है कि वो उन बरकतों का शायद 20% भी क्लेम ना कर सके जो कि उसके लिए खुदा ने रखी है। मैंने आपसे जब बात शुरू की तो मैंने आपसे क्या कहा, इस बात पे तो हम कभी शक नहीं करते कि खुदा ने जो वादा हमसे किया है वो उससे फिरेगा, लेकिन फिर भी वो वादे हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होते क्योंकि उन वादों की तरफ से हमारी आंखें बंद है। हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। इस खादम, अगर आप इसी हवाले का पांचवा बाप पढ़े, ये दूसरा सरदीन पांचवा बाप, तो उसमें नुमान कोड़ी का वाकया है और उस पर भी खुदा नबी के खादम का है जो इंकाफी जो है लालच करता है, उसके साथ वो सारा सिलसिला होता है जो उसके पूरे जिस्म में कोड़ निकल आता है। उसके बाद अब इस हवाले को आगे बढ़े तो अंबिया जादों का एक और मौजजा है, तवातर से मौजजे बयान हुए हुए हैं, तो ये इवेंट्स भी ऐसे ही खुदा के खादमों के साथ जो लोग हैं वो देख रहे होंगे। फिर भी इनके बाद भी जब उसका खादिम बाहर निकलता है और सामने फौज को देखता है फिर भी परेशान हो जाता है। तो इस वक्त, इस साल, इस जो आज की शाम खुदा ने हमें पैगाम या ख्याल दिया है वो ये है कि हम अपनी आंखों को खोलें। हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढना चाह रहे हैं तो हम अपनी आंखों को खोलें। अब अगर इस तरह का सिलसिला है और मुसलसल मैं आपसे एक बात रिपीट कर रहा हूँ तो देन आई शुड ऑल्सो टेल यू कि एक ईमानदार अपनी आंखों को कैसे खोले। अगर ये ऐसा है और हम ये कह रहे हैं कि हम परेशान हैं और हमारी आंखें बंद हैं तो खुदा ने ये भी बताया, हम खुदा से ये भी सीखे हम अपनी आंखें कैसे खोले। अभी भाई अल्बर्ट ने एक अंधे का मौजजे का जिक्र किया और वो अंधा राह के किनारे बैठा था और उसने पूछा कि ये शोर कैसा है, तो उसको बताया गया कि यीशु नासरी। ये आपको लूका 18वें बाब में ये हवाला मिलेगा। और उसने कहा कि उसको बताया गया कि यीशु नासरी। उसने एकदम अपना कपड़ा फेंक के चिल्लाना शुरू किया, क्या इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, रहम कर। शोर की वजह से उसकी आवाज दब गई, वो फिर चिल्लाया, उस वक्त तक चिल्लाया जब तक के खुदा ने उसकी सुन ना ली। हमारी दुआओं में चिल्लाने का अंसर या खुदा से उस जस्तजू के मांगने का अंसर कितनी देर रहता है?
ईमान आपको, नजात आपको मुफ्त मिली है, लेकिन आंखें खोलने के लिए आपको चिल्लाना पड़ेगा। चिल्लाने से मुराद दुआ करनी पड़ेगी कि खुदा तूने मुझे इतनी बरकत दी कि अपने खानदान में पैदा किया, ऐसे घराने में पैदा किया जो तुझे अपना बाप मानते हैं। तूने जब मुझे इस घराने में पैदा किया, तू गाय बगाय मुझसे कलाम करता है, मुझसे वादा करता है कि मैं तुझे, तेरे लिए मैंने तेरी सारी बीमारियों के लिए, तेरी मुसीबतों के लिए तुझसे पहले लहू बहा दिया, मेरे ईमान में, मेरे लहू में शिफा है, मैं तुझे हर चीज मुहैया करूंगा। हमारे काम अगर आप मत्ती की और अंजील और दूसरी अंजील पढ़े तो आपको खुदा के वादों पे हैरत होगी कि अगर ये सब हैं तो ये मेरी जिंदगी में कितने इसमें से वादे पूरे होंगे। तो खुदा उनकी तरफ चिल्लाना पड़ेगा, उससे दरख्वास्त करनी पड़ेगी, उससे दुआ करनी पड़ेगी कि खुदा जो कुछ तूने मेरे लिए रखा है, जो कुछ मेरी सिर्फ रखा नहीं, जो कुछ मेरी खामी है, जो कमजोरी है, मैं हमेशा इस बात की गवाही देता हूँ कि जब मैंने पहली दफा यह कलाम पेश किया था तो उस वक्त भी मैंने भाई की गवाही शेयर की थी कि जब भी वो घर में आते थे वो हमेशा कहते थे कि आपके लिए खुदा का वादा ये है कि आप खुदा की खिदमत करें। उस पर मैं ईमान रखता हूँ और मैं हमेशा सारे अरसे मैंने ये दुआ की कि खुदा जो तैयारी इसके हवाले से मुझे करनी, जो कोई ऐसा गुनाह है जो मुझे इस खिदमत से रुके हुए उसको तो निकालो। और ये मुसलसल मैंने दुआ की जब तक खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। इसी तरह से हमें अपनी आंखें खोलने के लिए चिल्लाने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, रात के पहरों में दुआ करने की जरूरत है। अब जब मुश्किल काम शुरू होता है ना, हासिल करना हर कोई चाहता है, लेकिन जब खुदा हमसे वो रिक्वायरमेंट शेयर करना शुरू करता है फिर हमें अंदाजा होता है कि रात के पैर में उठना मुश्किल है। फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कभी कभी परेशान होते हैं, ये भी खुदा कर ही देगा। जब हमारे करने की बारी आती है, बड़े दुखी होके खुदा जब वापस यीशु वापस आया गेतसेमनी के बाग में तो उसने बड़ा दुखी होकर कहा कि तुम पल भर भी ना जाग सके, मेरे साथ ना जाग सके। जिनके साथ, जिनको वो साढ़े तीन साल लेने के घूमा, जिसने, जिन्होंने वो सब मुझे देखे, उनकी जब खुदा ने वापस आके हालत देखी तो बड़े दुख से कहा। आज भी जब हम अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी खामियों के लिए खुदा को कई दफा जिम्मेदार ठहराते हैं तब भी वो हमसे यही कहता है कि तुमने कितने पहर मेरे साथ गुजारे। हम हमेशा एक आदमों से सुनते हैं, इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम खुद अपने दिलों में जानते हैं कि दिन के 24 घंटे में कितने दफा मुझे यीशु का, मुझे पाप का, मुझे खुदा बाप का ख्याल आता है। उससे एनालाइज कर लें कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं और उसके, उस एनालिसिस के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन रखें कि ये मेरा खुदा के साथ रिलेशनशिप है, ये मेरा खुदा के साथ ताल्लुक है और ये मेरी खुदा के साथ एक्सपेक्टेशन है। जो काहिन बदरुएं निकालने गया और क्या कहते थे कि जिस यीशु के नाम से पौलुस देखे बदरुएं निकालता है उसी से मैं हुक्म देता हूं कि निकल जा। तो जिसमें बदरू थे उसने क्या कहा कि यीशु को तो मैं जानता हूं, पालूस से भी मैं वाकिफ, पत्रस से भी वाकिफ। कौन कह रहा है? जो बदरूस के अंदर है, यानी जो शायद तीन तक उन मुकद्दसों को, खुदा को जानते हैं, हुआ यू। तो हम अपने अंदर एनालाइज करें कि मसीह के वादे तो हैं, कलाम हमारे हाथ में है, हर जुम्मे को, हर इतवार को कम से कम खुदा के खादिम हमारे साथ ये कलाम शेयर करते हैं। Where do we stand? तो अगर आपको उसके खादिम की तरह अपनी आंखें खुलवानी है तो चिल्लाने की जरूरत है। उस वक्त तक चिल्लाने की जरूरत है जब तक मसीह खुद ना कहे बता तुझे क्या चाहिए, Why are you crying?
जो इसमें मिसाल थी कि जो काजी के पास वो बेवा उस वक्त तक नहीं गई जब तक वो काजी जिच नहीं हो गया। ये मेरी गवाही है कि हम मेरे वालिद उनको खुदा ने खिदमत दुआ की थी और वो मुसलसल दुआ करते थे एंड देयर वर टाइम्स जब हम उनको कहते थे कि अब्बा थोड़ी देर आप थोड़ा अपने दिमाग को भी रेस्ट दो, बट ही कॉन्स्टेंटली यूज टू प्रे। वो कहते थे मुझे इतने लोगों ने दुआ के लिए बोला हुआ है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी को मैंने कहा हो कि मैं आप मेरी दुआ करूंगा और मैं दुआ भूल जाऊंगा। एंड यूज टू कॉन्स्टेंटली प्रे और हम उनको ये कहते थे कि अब्बा आपका जुबान नहीं थकती, हम घर में घूमते हुए आपको दुआ करते हुए देखते हैं कि कई दफा ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अब थोड़ी देर, बट यू शुड कॉन्स्टेंटली प्रे, दुआ करें, खुदा से नेमत ऐसी मांगे कि आप रखने में खड़े होने वाले हो, आप ऐसे हो कि आप जब लोगों के लिए दुआ करें तो अपनी इट्स टाइम दैट यू स्टेप आउट, अपनी तकलीफें परेशानियां नहीं बल्कि दूसरों के लिए बरकत का बात। एक बात तो ये कि चिल्लाने की जरूरत है, दूसरी बात ये है और जो बहुत जरूरी है, हम देखना क्या चाह रहे हैं। समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अपने अंदर एनालाइज करें कि जो बरकत आप खुदा से मांग रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। क्या आपका इंटेंशन ये है कि मैं खुदा की खिदमत करूं, या आपका इंटेंशन ये है कि लोग मेरी तारीफ करें। मुझसे आप में इसी एक अगर आप दो जो अंधे थे उनका मौजा और भी बहुत सारे ऐसे मौजे हैं जिसमें यीशु ने कहा कि बाहर जाके मत बताना कि मैंने तुम्हारे लिए ये मौजा किया, और फिर जब वो दुआ करने को कहता है, रोजा रखने को कहता है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि अपनी सूरत ऐसी ना बनाओ, रयाकारों की तरह ना बनाओ, ताकि तुम्हें अजर देने वाला मैं हूं ना के और लोग। तो दूसरी चीज जिस पे मैं आपका आई वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन इज आप अपनी इंटेंशन को एनालाइज करें। जो बरकत आप खुदा से मांग रहे हैं उस बरकत का आप इस्तेमाल क्या करना चाह रहे हैं, उस बरकत को आप किस मकसद से मांग रहे हैं। क्या इस मकसद से मांग रहे हैं कि लोगों में आपकी नमूद नुमाइश हो, या लोग आपको बड़ा कहें, लोग आपकी इज्जत करें, या आप प्योरली या आप कलाम की खिदमत इसलिए मांग रहे हैं कि जी मैं पुलपिट पे खड़ा हूं और एक जवाब मेरी सुने, या आप इसलिए मांग रहे हैं कि खुदा से कलाम लेके उसके लोगों को तसल्ली के तौर पर दिया जाए। तो पहली बात दुआ करें कि खुदा आपकी आंखें खोले, दुआ करें और इस बात को एनालाइज करें कि आपको खुदा वो बरकत और उसकी प्रॉपर इंटेंशन दे। एंड थर्ड और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है जो इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जिनकी आंखें एक दफ़ा खुलकर दोबारा बंद होती हैं खुदा उनसे ज़्यादा नाराज होता है एज़ कम्पेयर टू उनके जिनकी आंखें पहले से बंद। अगर आप पौलुस के खतूत पढ़ें तो उन कलीसियाओं पे जिन पे वो नाराज होता है वो इसी वजह से होता है कि तुम्हें तो खुशखबरी मिल गई। यीशु ने क्यों अपने शागिर्दों पे नाराजगी जाहिर की, क्योंकि उसने तो कहा तुम तो मेरे साथ साथ थे, और जिन उन्होंने तो यीशु की सूरत बदलते भी देखी थी पहाड़ पर, अपनी आंखों जो खुली आंखों से उसकी अलाजाद सूरत देखी थी, और कहते थे कि हम तेरे हम यहाँ तीन घर बनाते हैं। उसने जब उनको अपनी जान पुनी की हालत में आके देखा और उनको सोते पाया तो उनको कितना अफसोस होगा। तो इस बात को अपने जहन में रखें कि जब हम खुदा से कोई नेमत मांगे और खुदा हमें इस काबिल बनाए कि हम उस नेमत को हासिल करें तो उसको वैल्यू करें। क्यों? क्योंकि जो ईमान से फिर जाते हैं उनकी सजा उनसे ज्यादा होती है जो अभी ईमान में दाखिल नहीं हुए।
मैं खुदा से यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदा ने जिस तरह हमारे साथ ये आज कलाम शेयर किया है, इस साल में जो और बरकतों के साथ वो हमें देने को है, खुदा हमारे हमें ये बरकत भी दे कि हमारी रूहानी आंखें खोले, क्योंकि जब तक हमारी रूहानी आंखें नहीं खुलेंगी हम ईमान में साबित कदम होके नहीं चल सकेंगे। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी हम उसकी बरकतों को नहीं पहचान सकेंगे। जब हम उसकी बरकतों को पहचान नहीं सकेंगे तो हम उसकी बरकतों को इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे, और उसी तरह से हम दुख मुसीबत तकलीफ और परेशानी में रहेंगे जिस तरह से हम पिछले सालों में रहे हैं। तो हम सबको बरकत दें। आमीन।